कितना अफसोस हुआ बताइए। सुन के खुद हमको हैरानी हो गया एकदम, बच्चा जैसा मर गया। लास्ट परसों या तरसों आए थे जो कुत्ते को बोले थे खाना लेकर के, वही तो हमारे कम नहीं हुआ है। हर दुकान बंद है, मतलब मोहिम बजा चुके हैं नमाज पढ़ने, बहुत जल्दी चले गए आज। सामान ये रहा मेरा, सो गाइस तो आ चुके हैं। सो गाइस तो दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो पहले से मोहिम पर आ गए थे, ये इसलिए मैं रिपोर्ट किया हूँ। सो गाइस चलते हैं लखोटिया, नमाज हो चुकी है एंड अगर पहले यूरिन टेस्ट ले लेंगे, उसका अगर डॉक्टर रहा पवन अग्रवाल तो डॉक्टर को भी दिखा देंगे। सो आज तो भी हैं मैं लखोटिया के अंदर। सो आज डॉक्टर को दिखा चुके हैं, बस पानी ज़्यादा पीना मेरे को और दवा टाइम पे खाना होगा, बस दो दवा और भरी लिया है। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। एंड आज 27 मार्च और मैं डॉक्टर के पास से आ चुका हूँ और आज ना मैंने एक रील्स देखा, रील्स के हिसाब से ना कि आज जो चांद दिखेगा, चांद के नीचे जो हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है वो भी थोड़ा बहुत शो करेगा, मतलब आसमान में जो स्टार्स है वो भी दिखेगा। तो आज मैंने सोचा ना कि इफ्तारी का तो मैं बाहर में करूँगा या घर से इफ्तारी करके जल्दी से बाहर जाऊँगा वो देखने के लिए, बिकॉज वो शॉट लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे को देखना होगा ना कि भाई चांद के नीचे कौन कौन सा प्लैनेट आ रहा है। जैकी चैन, जैकी चैन असर का नमाज पढ़ लेना, उसका अच्छा ना चांद देखना, ठीक है? अरे मेरा भाई आज चांद दिखेगा, हाँ 27 मार्च है डाला हुआ है सर, चांद के साथ जो है ना और ये प्लैनेट दिखेगा। इसे सोचे भैया तो बाहर में इफ्तारी करेंगे तो घर में इफ्तारी करेंगे, मैं जल्दी से जाना होगा। रात में नहीं, सनसेट होने के मालूम मैं साथ ही में वो दिखना शुरू हो जाएगा आधा घंटा तक, और इफ्तारी करते हुए रहेंगे ना तो फिर वहाँ जा नहीं पाएंगे। साल पहले दिखेगा मैप में, कहाँ से प्लैनेट आ गया? नहीं तो मैप में प्लैनेट कैसे देख लिया जुपिटर सर? हाँ जी एड्रेस सुनते थे मालूम है, मैप में प्लैनेट देख रहे हैं आजकल। चटनी नहीं बन रहा है, अभी पेस्ट तैयार कर रही है, कोई भी चीज बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। करबरा काट रहा है इसको, कुछ में डालेंगे कीमा में, वही तो ऐसे कर रहा है, नहीं हो रहा। अरे मशीन ला नहीं है, ऐसे करके काट रहा था, वाह कट जाएगा ऐसे। और आज फहीम बहुत मेहनत किया, मेरा भी पंजाबी धो दिया, अपना भी धो लिया वैसे तो, पर मेरा भी कपड़ा धो दिया वो कुछ कुछ। क्या बाबू यहाँ पे सोए हुए हो? चलते हैं किचन, और यहाँ बन रहा है प्याज छोटा छोटा, मेरी बहन बना रही है इसलिए छोटा छोटा। सो ऐसा ना बन चुका है, ये क्या क्या चीज़ लगी है इसमें? भजिया माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ यहाँ पे अभी समोसा का ये बन के तैयार हो चुका है, क्या बाहर जाए घर में जब इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज बन रहा है, माशाल्लाह पसंद नहीं आएगा? अरे अम्मी इसमें डाल के बनाइए, क्या बनाए अम्मी, क्या डाल के बनाए? अरे काची का आटा है, क्या बोलते हैं, मकई का ना? हाँ मकई में डाली है, बेसन है। अब मकई किसके लिए यूज किया है? वो भी थोड़ा डाले हैं, बेसन मकई दोनों मिक्स है। क्या चीज़ का बन रहा है? पत्ता क्या चीज़ का मालूम है? ये होगा पालक। तेरे तो बोले शायद ही कोई खाएगा। हम खाएंगे भाई, पालक बहुत फायदा करता है, बहुत सियाना है मोइन। मोइन पालक ऐसे भी मालूम है, मोइन ऐसा खतरनाक लड़का है जो पालक का शरबत जूस पीता था, हाँ जूस बना के पीता था। देखिए ये सब कुछ नहीं है, जो मेन है यही है और उसको छोड़ रहे हैं आप। सिंघाड़ा मतलब समोसा पहले बनाइए, सिंघाड़ा मतलब प्याज कुछ भी ना बने चलेगा, समोसा पहले। आज बोलने में कितना गलती हो रहा है मालूम है, जल्दी नहीं बोलना पा रहा है, मेरे को नीचे में जाना था, मेरा वेट कर रहा, पता नहीं क्यों कॉल किया है। स्माइल दे रहा है, का हथियार शुरू काम करने का, कलकड़ी है आप कर दिया था, हेल्प करें कुछ में बोल रहे, हेल्प करें बहुत जल्दी बोल, हमें हेल्प कर देंगे पास तक ही नहीं, एक दो नीचे पास। सो आज नीचे आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, रोजा रखा है, रोजा रखा है ना, ठीक है तुम नहीं मारेंगे। सो आज तो रोड आ चुके हैं, तो रास्ता ही मैं रोड में, रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए लोग है ना वाटकिंसन साइड में, यहाँ पे थोड़ा खाली है। सो रास्ते घूमते हुए साहिल भाई दुकान आ चुके हैं, देखो गाड़ी बनने के लिए मैंने दिया था सुबह, सो साहिल भाई लेकर के आ गए थे, बन गया ये बाकी है अभी भी कुछ।
बाकी सो आज तभी भी गाड़ी फिटिंग हो रहा था एंड अब चलते जल्दी से. टाइम नहीं, टाइम कितना हुआ भाई? 5:38 हो चुका है, चलते घर. Assalamualaikum. फिर से हाथ कट गया. कैसे? देखे 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 कैसे कटा है, कहाँ पे कटा है? अंदर रुक रुक रुक. यहाँ कटा है इसका हाथ. कहाँ कटा देखे तुम पहले? काम बोल रहे हैं. अरे ज़्यादा कटा है इस बार. दो दिन में दो बार मोइन अपना हाथ काट चुका है. दो दिन में दो बार हुआ भाई तेरा. कल भी काट लेना ठीक है, ना तीसरा दिन का भी हो जाएगा. क्या हुआ आपको? बाजी प्याजी बना रहे थे, हाथ जला ली. मोइन कट कर रहा था तो हाथ कट गया. हाँ बैंडेज लगा, उसमें बैंडेज लगा. माशाल्लाह मोइन पहले से बैठे हुए फिर से. मोइन का मतलब मेरा भी कट गया, मेरा भी कट गया. मना रहा है, कटा हुआ तो झूठ बोलता है. तो वजू कर चुके हैं एंड अजान का टाइम पहुंच चुका है. पहले से मोबाइल में ही पता शुरू किया अजान. ये रहा सामान, ला ला पकड़ लेते हैं. एक हाथ से पकड़े हुए हैं. यहाँ माशाल्लाह बन गया है. जल्दी जल्दी में क्या करिएगा? साइमा बनाई है, साइमा के हाथ का है. अल्लाह बहुत बड़ा बना बना दीजिए हमारे साइमा. ये है साइमा के हाथ का बना हुआ, लीजिए पेट भर के खाइए, इसी से पेट भर जाएगा. सो ऐसा अजान का टाइम हो चुका है. और देखो ये रहा. क्या बाबू नींद आ रहा है? दस्तखान पे सोना है. चलो खाना शुरू करते हैं. हाँ मोइन पर रोजा खुल चुके हैं. अरे क्या हुआ भाई? समोसा सेवा कैसा बनाई है? ये समोसा मुझे समझ ही में नहीं आ रहा. पत्थर लग रहा मालूम है. ए सिम्बा को देखो ना. और मोइन तैयारी कर रहा, पहले अपना उम्मीद पर अच्छा से कर ले सही, उसके बाद खाएगा. सो हस्त ये रहा पत्ता, ये पालक है मोइन. मोइन खा के देखे कैसा लग रहा है. सो हस्त इफ्तारी हो चुकी है, सो हस्त इफ्तारी हो चुकी है. चलते नमाज पढ़ने के लिए. सो हस्त यहाँ तो चांद दिख रहा है, पर चलते पहले नमाज पढ़ लेने. नमाज पढ़ ली. सो हस्त ये रहा, अब यहाँ पहुँच आया है. और यहाँ क्या चाहिए नदीम भाई? क्या है नदीम भाई? टाइम टेबल. टाइम टेबल तो ना ही आज मैं चांद देख पाया ना ही कुछ. और इसी चक्कर में ना मैं कहीं गया भी नहीं. मेरे को लगा था कि कुछ दिख जाएगा तो मैं उसका वीडियो बना पाऊंगा, पर अम्मा मेरे को पहले ही बोलते हैं भाई कुछ दिखा नहीं आसमान में, बस सिर्फ चांद दिख रहा है. तो इसलिए मैं कहीं गया नहीं. मतलब क्या है ना कि कुछ लोग रील्स में डाले हुए 28 तारीख को, कुछ लोग डाले हुए 27 तारीख को. आज 27 से आज का मैंने रील्स देखा, मैं उसका भी थोड़ा सा सीन डाल दूंगा. पर अभी चलते पहले तरावी की नमाज पढ़ लें. इवनिंग ऑफ मार्च 27th यू गेट टू सी 5 प्लैनेट्स इन अ ब्यूटीफुल लाइन विद द मून. सोचा चले तरावी की नमाज पढ़ लेने के लिए. और मैं भी वैसे तो रास्ता में हूँ, बस थोड़ा सा दूर मस्जिद के. सो वैसे चारी का नमाज हो चुकी है. यहाँ हिजामा का लिखा हुआ है, हिजामा खाने के लिए. बारिश हो रही है भाई, आप बाहर आए, बारिश स्टार्ट. और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, बाहर में बारिश हो रही है. सब फहीम की वजह से बारिश हो रहा है, सिर्फ फहीम के लिए. फहीम का पेट दर्द कर रहा था ना, इसीलिए. पैसा लाएगा जब पैसा दे. अच्छा वही बता दिया पहले. ए, 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 पैसा उसी को दिया है नमाज पर क्या आया. चले चला पहले रिकॉर्ड करना. पैसा दे नहीं, अभी हंस रहा वीडियो में, इसे रिएक्शन बहुत ही नहीं आता तेरा. मेरा पैसा रखा हुआ, मेरा पैसा रखा हुआ, मार रहे ऐसे यार रखा हुआ दे दिए. अस्सलाम वालेकुम. तो अब खाना बन रहा है अभी, और प्याज जो भी बचा हुआ है मत का है. देखे एक चिपकली चल रहा था. अय्या अल्लाह, खुला हुआ था इसीलिए बोल रहा हूँ. सो आज ये रहा मेरा ब्लॉग ऑन है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या गलती हो रहा है, क्या गलती नहीं हो रहा. आप तो भी कमेंट जरूर करना है कि क्या मेरे से गलती हो रहा है, मैं उसको ठीक कर सकूँ. कितना अफसोस हुआ बताइए. सुन गया खुद, हमको हैरानी हो गया एकदम. कैसे बच्चा कसम मर गया,
लास्ट परसों या तरसों आए थे जो कुत्ते को बोले थे खाना लेकर के तो हाँ मालूम है। सो आज तक एक बहुत ही गंदा बहुत ही खराब सेट म्यूजिक आया है। जो दुकान में एक बिल्ली आती थी ना जिसका नाम मोहिम भाई स्टेलर रखे थे वो डेथ हो गया है। मतलब मेरे को खुद नहीं मालूम कैसे हुआ है। मेरे भाई मोहिम भाई बोले कारखाना में था उसका बच्चा भी मर गया दोनों था और बिल्ली भी थी वही मर गई। इसलिए मैं कल ना उसको देखा भी नहीं दुकान में और आज भी उसको देखा नहीं यार बहुत गंदा लगी थी। तीन पाव के लगभग में था उसका चिमकी फाड़ दी थी। तो उस समय से ना दानिश बोले किसको पाले हुए किसको है अभी देखो उसको भी सॉफ्ट एकदम किसी कोई भी सॉफ्ट आएगा हम कितना सॉफ्ट है। अरे भूख से हुआ बीमारी से हुआ सब कोई बोल रहा है कि ज्यादातर की माँ को इन्फेक्शन हो गया होगा या कुछ ऐसा खा ली होगी बाहर में तो बच्चा को भी इन्फेक्शन ब्रेड। सो गाइस चलते हैं अभी सीढ़ी कर लेने के लिए। पता नहीं सो रहे ना ऐसे मेरा मालूम है 10 मिनट के अंदर मालूम है इतना टाइम हो गया कैसा मुझसे हकीकत में आज पता नहीं चला टाइम बहुत जल्दी इतना टाइम हो गया खुद इसलिए हैरान इतना जल्दी हो गया। सो गाइस चलते हैं सीढ़ी करने के लिए। एक अजवा खजूर है दो नॉर्मल खजूर। सो गाइस चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। सुबह से नमाज हो चुकी है चलते हैं अब घर। सुबह से फजर की नमाज हो चुकी है चलते हैं घर। और मोइन भाई यहाँ से गए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। चलो मोइन जल्दी पहुँचना है। फहीम कहाँ गया रे? सुबह से अभी शायद कोई छठ पूजा है और हम लोग फजर की नमाज पढ़ के भी आए। सुबह से ये रहा पूरा गीत गाया जा रहा है छठ पूजा का लेकर के। सो आज तो आज का ये वीडियो मेरा हो चुका है कंप्लीट और आज था 4 रमजान जो कि कंप्लीट हो चुका है। मतलब रमजान ना बहुत स्पीड में ख़त्म हो रहा है। आप टाइम खुद देख लो कितना स्पीड में रमजान खत्म हो रहा है। चलिए वीडियो करते हैं एंड। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर देना शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड लास्ट टाइम वापस से बोलूँगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाय बाय टेक केयर लव यू।